कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने का फरमान पर बवाल। बिहार और मध्य प्रदेश में भी भोजनालयों में नाम वाले बोर्ड लगाने को लेकर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सरकार के आदेश को लेकर किया वॉर, कहा मुस्लिम ही नहीं दलित और पिछड़ों की आजीविका पर भी बीजेपी का हमला। बिहार में बीजेपी चाहती है कि इसे यहां भी लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों ने फैसले को गलत बताया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने न्यूज 24 से कहा कि योगी सरकार के फैसले का स्वागत है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था और शुद्धता से जुड़ा मामला है। केंद्र में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी पार्टी एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर पुलिस के नेम प्लेट वाले आदेश का विरोध किया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि फल सब्जी बेचने वाले ज्यादातर लोग दलित हैं, बीजेपी जाति के आधार पर दलितों के शोषण की जमीन तैयार कर रही है। नेम प्लेट वाले मामले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा संविधान समान अधिकार देता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, बीजेपी संविधान का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा, मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं क्योंकि इससे विदेश में देश की छवि धूमिल होती है, मेरा मानना है कि यह नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मांझी जीतन राम मांझी भी इस कानून को लेकर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि इसे धार्मिक नजर से नहीं देखना चाहिए, यदि दुकान के आगे नाम लिखा होगा तो इसका उन्हें भी फायदा मिलेगा। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार के फरमान की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला किया। हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वाले अपना नाम मोबाइल नंबर लिखकर तख्ती लगाए। बिहार जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने योगी सरकार के फैसले को गलत बताया, कहा योगी सरकार को अपना फरमान वापस लेना चाहिए। नेम प्लेट को लेकर सपा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार के इस फैसले का विरोध जताएंगे। जमीयत उलेमा हिंद ने आज बुलाई बैठक, कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने वाले मामले और देश के कानूनी पहलुओं पर होगी चर्चा। बैठक में अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद मौलाना अरशद मंतनी ने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति के नए खेल की शुरुआत है, साथ ही ये भी कहा कि एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। आज सही दिवस कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम होंगी शामिल, साथ ही मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। कार्यक्रम के दौरान दिखेगा इंडिया गठबंधन की ताकत। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा, बीजेपी के दो सांसद पार्टी शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विचार विमर्श के बाद लेंगे फैसला। सरकार ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक, 22 जुलाई से संसद के बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। ये बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा। मानसून सत्र के दौरान ही बजट पेश किया जाना है और इसी दौरान केंद्र सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद, अमित शाह ने कहा जीत कर अहंकार आते हैं तो सुना था, हार के अहंकार का आना पहली बार देखा। तो वहीं शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करेंगे। एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे अनशन पर, कहा यह भूख हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, दो मेडिकल छात्र समेत तीन गिरफ्तार। इसके साथ ही सीबीआई ने प्रश्न पत्र हल करने वाले सात को भी गिरफ्त में लिया। आज देशभर में मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार, सुबह गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजन कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कल नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है। 18 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा एजेंसी को नीट का रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी करने को कहा था। कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर तक का समय दिया था। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की जनता से मुफ्त और 24 घंटे बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, सभी माताओं और बहनों को 1000 रुपये प्रति माह, हर युवा को रोजगार देने का वादा किया है। पंचकुला में 5 गारंटी लॉन्च करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी बोलते हैं कि केजरीवाल चोर है, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो कोई ईमानदार नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हिसार में पलने वाला एक आम सा लड़का एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने शून्य से शुरू किया था, अपनी पार्टी बनाई, पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के कम होते वजन को लेकर एलजी के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी, प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र, चिट्ठी में लिखा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल ठीक से खाना नहीं खा रहे, 6 जून से 13 जुलाई तक प्रॉपर डाइट नहीं ली, कम कैलोरी की वजह से वजन कम हो रहा है। एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आपका बयान, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। आतिशी ने कहा, सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आया, कोमा में जा सकते हैं सीएम केजरीवाल, ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया, मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा डीओपीटी को भेजा है, इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया। डीओपीटी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, मनोज सोनी ने 2029 में समाप्त होने वाले अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया। साल 2017 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला था और 2023 में अध्यक्ष बने थे। पीएम मोदी के रूस दौरे के 10 दिनों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमनी कुलेबा से फोन पर बात की। एस जयशंकर और दमनी कुलेबा के बीच पीएम मोदी के मॉस्को दौरे के बाद बातचीत हुई। वहीं पुतिन को गले लगाने पर जेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 9 जुलाई को पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका करार दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट में बताया, यूक्रेनी विदेशी मंत्री के साथ बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर केंद्रित थी। यूपी में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय से पहले होगी रिहाई, राज्यपाल की मंजूरी के बाद रिहा करने का आदेश जारी। जेल में आचरण अच्छा होने की वजह से उदयभान करवरिया की रिहाई पहले होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारगर प्रशासन ने जारी किया आदेश, उदयभान करवरिया को साल 2029 से प्रयागराज कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जवाहर यादव की हत्या मामले में उदयभान दोषी करार दिए गए थे, नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे करवरिया पर, अब उदयभान की रिहाई के आदेश दिए गए हैं। गुजरात के कई गांव बाढ़ चपेट में, जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी, गुजरात के कई गांव सैलाब में बंधक बन चुके हैं। गुजरात में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, निचले इलाके से लोगों को रेस्क्यू किया गया। द्वारिका में अचानक आई बाढ़ में कार बहने लगी, हालांकि स्थानीय लोगों ने कार सवार को खींचकर बचा लिया। वडोदरा के एक स्कूल में दीवार गिरने से घटना सीसीटीवी में कैद, दीवार गिरने से हड़कंप मचा, 2 बच्चों को चोटें आई, लंच ब्रेक में दीवार गिरने से चीख पुकार मच गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, सड़कों पर जल भराव है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया, मौसम विभाग के अनुसार नागपुर सहित विदर्भ में अन्य कई जिलों में तेज बारिश और मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई।